अलैकुम नाजरीन, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू की टिक्कियाँ या आलू के कबाब भी जिनको कहते हैं। ये मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू। इनको मैंने बॉईल करके इनको मैश कर लिया है। अब इनको पोटैटो मैशर या फोर्क से इस तरह मैश कर लें। ये मेरे पास है एक बड़े साइज़ का अनियन, 2 ग्रीन चिली और 4 लहसुन के जुए। इस तरह से इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। 1 टीस्पून रेड चिली यानी कि लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक यानी कि हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट और ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। तो आइए पहले टिक्कियां बना लेते हैं। इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दें। मेक श्योर आप अपने हाथ ज़रूर धो लीजिएगा, मैंने धोए हुए हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और ये तमाम मसाले। अब इसको अच्छी तरह से अपने हाथों से मिक्स कर लें। सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई, ये मेरे पास है फ्रेश सिलांट्रो। ये मेरे पास फ्रीज होता है तब भी मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि जब मैं यूज़ करती हूँ तभी मैं फ्रीज़र से निकालती हूँ। ये भी इसमें जाएगा। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें बस, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ है। अभी आपको यहाँ पर चाहिए थोड़ा सा ऑयल। इस तरह आप अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएं, फिर आप टिक्कियाँ बनाएं, ये आपके हाथों पर नहीं चिपकेंगी। फिर ये देखें इस तरह करके तमाम टिक्कियाँ बना लें। ये देखें तमाम टिक्कियाँ मैंने बना ली हुई हैं। अभी आप इनको यहाँ पर फ्रीज कर दें, या अगर आपने फ्राई करनी हो तो 15 मिनट के लिए पहले फ्रीज़र में रखें और फिर फ्राई करें। इसको फ्राई करने के लिए कुछ लोग अंडे में इसको डिप करके फ्राई करते हैं, कुछ लोग ब्रेड क्रम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर बेसन यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून बेसन है और 1/2 टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। तो अभी हम इसका ये बेटर बना लेते हैं। ये देखें इस तरह से। अभी मैं इन टिक्कियों को 15 मिनट के लिए पहले फ्रीज़र में रखूंगी, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। ऑयल आपने इतना डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। एक साइड इसके अच्छी तरह फ्राई हो जाए फिर आप इसको पलट दें। तो अभी इसमें हम ये टिक्कियाँ डाल दे रहे हैं। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम के दरमियान में रखना है, वरना आपकी ये टिक्कियाँ जल जाएंगी। ये देखें ऑयल इतना गर्म नहीं है। अभी यहाँ पर पहले इनकी एक साइड अच्छी तरह से हल्की सी गोल्डन हो जाए फिर आपने इनको पलटना होगा। इस तरह आप किसी टेबल स्पून से इनको पलटें, बड़े चम्मच से ये टूट जाएंगी। ये देखें इनका कितना अच्छा ऊपर से कलर आ गया है। अभी दूसरी साइड को पकने दें। ये देखें अभी ये फ्राई हो गए हैं। तो अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ, किसी किचन टॉवल पर आप इनको निकाल लें ताकि इनका तमाम ऑयल जो है निकल जाए। ये रही आपके लिए मज़ेदार आलू के कबाब या आलू की टिक्कियाँ। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा।
ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर बताइए, थम्स अप करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।